हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज डे है फ्राइडे और अभी अभी जस्ट मैं बाबू को लेके बाहर आई हूँ घुमाने के लिए, क्योंकि अभी डॉक्टर ने बोल दिया है कि थोड़ा सा बाबू को बाहर घुमा लो। और ये मॉर्निंग का टाइम है, अभी टाइम हो रहा है 5:30 और मैं घुमाने के लिए ले गई थी बाबू को। मैं ले आई हूँ बाबू को और देख सकते हैं डॉक्टर विजिट करके जा चुके हैं। और बस बाबू को मैं डायपर पहनाना था, तो ये देखिए कैसे खुद पहन रहा है पैर उठा उठा के डायपर। और मैं आज थोड़ा सा बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बाबू को खेलते हुए देख के। कल की कंडीशन देख के तो मेरी मतलब मैं बिल्कुल टूट गई थी कि पता नहीं क्या हो गया मेरे बच्चे को एकदम से। और ये देख सकते हैं बाबू कैसे डायपर पहनने की कोशिश कर रहा है, बार बार पैर उठा के डायपर और पहन रहा है। और अभी मम्मा वीडियो बना रही है इस टाइम पे। मैंने कहा चलो शूट कर लो, देखो बाबू कैसे डायपर खुद ही पहन रहा है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा मुझे भी कोल्ड हो गया है, क्योंकि बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स भी परेशान होते हैं और बीमार तो हो ही जाते हैं। हॉस्पिटल में अच्छे खासे इंसान बीमार हो जाते हैं। तो ये एक्चुअली मनीष जी फोन को नीचे ही रख दिए थे और उन्हें पता चला कि शायद बंद हो गया है, बट बंद हुआ नहीं था इसीलिए। और ये देखिए मम्मा के साथ किट्टू खेल रहा है, इवनिंग का टाइम है और हम लोग सोच रहे हैं कि शायद मे भी आज डॉक्टर हमें डिस्चार्ज कर दे। लेकिन अभी भी बाबू को अभी मतलब पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है ये, इसको इन्फेक्शन हुआ था। क्या हुआ है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। और इसे रिपोर्ट बाकी सब नॉर्मल आया है बाबू का, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है वो। ये यहाँ पे बाबू पोल डांस कर रहा है, ऊपर बाबू का वही पानी का बॉटल वगैरह लग रहा था वही है। और आज डे है सैटरडे, तो फाइनली हमें डॉक्टर ने बोल दिया है जाने के लिए, डिस्चार्ज कर रहे हैं वो हमें। तो देखिए किस टाइम तक डिस्चार्ज करेंगे। और बाबू का जो हैंड का ये पट्टी है वो नहीं खुलेगा, क्योंकि अभी इसको और इंजेक्शन और पानी की बॉटल चढ़ने बाकी है, वही सुबह शाम लगेगी। तो बस देखते हैं क्या होता है। और ये इसको मैं थोड़ा सा सही करवा के और फिर जाऊंगी। तो फाइनली बाबू बहुत खुश है, बाबू के साथ साथ हम लोग भी खुश है कि हम लोग घर जाएंगे। और सुबह शाम हमें फिर भी आना पड़ेगा, देखते हैं इन डॉक्टर के पास आते हैं या फिर कहीं और जाते हैं, क्योंकि बाबू को लेना है स्टीम वगैरह जैसे भाप देना है, तो हम कहीं पे भी लगवा सकते हैं किसी भी डॉक्टर के पास। फाइनली हम लोग जा रहे हैं, मैं अभी शूट कर रही हूँ, मम्मी सब कुछ देख रही है। हम लोग आ गए हैं रास्ते में, हॉस्पिटल से निकल गए हैं, बाय बाय बोल दिए हॉस्पिटल को। गॉड ना करे कि दोबारा हमें हॉस्पिटल आना पड़े। हमें क्या किसी कोई भी बच्चा बीमार ना हो, खासकर वो बच्चे जो बोल नहीं पाते हैं वो बीमार ना हो, किसी का भी नहीं हो बच्चा बीमार, क्योंकि कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि उसका बच्चा हॉस्पिटल में जाए और एडमिट हो। या तो खुद हो जाते हैं, माँ बाप को कुछ हो जाए, हमें मुझे कुछ हो जाता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाबू को बहुत दुख हुआ बहुत ज़्यादा। और ये देखिए बाबू क्या बना हुआ है, और मैं किसी को रिप्लाई भी नहीं कर पा रही थी। और ये देखिए सुन, हे गाइस गुड इवनिंग। अभी टाइम हो रहा है 6:30 बजने में भी 10 मिनट है और हम लोग घर आ गए हैं किट्टू को लेके। किट्टू को लेके आ गई हूँ मैं, आई थी वही मतलब 2-2:30 बजे के करीब घर आई हूँ। और घर का पूरा सफाई, और मम्मी भी अभी है यहीं पे। और अभी फिर मैं लेके जा रही हूँ किट्टू को डॉक्टर के पास। अभी मैं दूसरे डॉक्टर के पास जा रही हूँ, अभी उसका एक इंजेक्शन लगना बाकी है और अभी मतलब 3 दिन तक उसका लगेगा ही। और हाथ में अभी भी पट्टी उसका बंधा हुआ है। किट्टू हाय। तो किट्टू अभी खेल रहा नानी के साथ, तो चलिए मैं तैयार हो लेती हूँ और लेके जाती हूँ इसको डॉक्टर के पास। आई थिंक मेरी सिस्टर लो भी जाएगी साथ में, मनीष जी नहीं जाएंगे, बारिश हुई है बाहर बहुत, तो पानी भरा हुआ है। और बाकी बात मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ। हाँ, वो मनीष जी एक्चुअली आज बना रहे हैं पराठा, पराठे आलू प्याज पनीर वाला, तो वो बन जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों को। एक्चुअली मैं अभी यहीं पे एंड करने वाली थी, थोड़ी देर बाद शूट करती, बट वो आके बोल रहे मेरा भी बताओ, तो इसलिए मैंने बताया आप लोगों को। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में।
हे गाइस, हम लोग निकल चुके हैं घर से डॉक्टर के पास जाने के लिए, और ये मैं दूसरे डॉक्टर के पास जा रही हूँ। तो चलिए गाइस, मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दुआ करिएगा कि तू जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बाय बाय गाइस, टेक केयर।